श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पंचवक्त्र त्रिनेत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटिकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। भगवान महादेव पंचमुखी हैं और इन पंचमुखी महादेव का एक ध्वनि मंत्र है, ध्वनि दिग्बंध मंत्र, मतलब ध्वनि मात्र से जो दसों दिशाओं को बांध दे उसको कहते हैं ध्वनि दिग्बंध मंत्र। मैं आदतन आप लोगों को बता देता हूँ कि किस पुस्तक से या फिर किस तंत्र से मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ। अब इस व्यवस्था को बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग उस सोर्स को पकड़ के बिना समझे तंत्रों को दूसरे चैनल पे दे रहे हैं, तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैं गुप्त रख रहा हूँ कि इस मंत्र का सोर्स क्या है। इस मंत्र की खासियत यह है कि यह दिग्बंध मंत्र है, मतलब बोलने मात्र से जो दसों दिशाएं हैं वो बंद जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद कोई क्रिया आपको नहीं करनी पड़ती है। ये पंचमुखी महादेव का मंत्र है और मंत्र विधान है, ठीक है। पंचमुखी महादेव क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है। महादेव जैसे आप लोग फोटो में देखते हैं तो वो एक मुख वाले होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि महादेव का पंच मुख है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि सद्यो जात वामदेव तत्पुरुषा अघोर और ईशान, ये उनके पांच मुख कहे जाते हैं, ठीक है। उत्तर में वामदेव मुख है जो कि विकारों का नाश करती है, दक्षिण में अघोर मुख है, अघोर मुख क्या करती है कि आपको अंधेरे से बाहर निकालती, अघोर जो घोर नहीं है। पश्चिम में जो है वो सद्योजात है, वो आपको स्वच्छता शुद्धता इसका निवारण करती है, ठीक है। तत्पुरुष मुख है भगवान शिव का पूर्व में जो आत्मा का स्थान माना जाता है, और उर्द में जो है ईशान में है, और ईशान का अर्थ होता है स्वामी। तो ये पांच जो है ये पांच मुख है महादेव का, और ये सबसे बलशाली साथ में माने जाते हैं। जब पृथ्वी पर पहले बार महादेव एक शिवलिंग के रूप में आया तो वो पाशुपत शिवलिंग था और वो पूर्ण महादेव हैं, ठीक है। पांच मुख मतलब सृष्टि पालन संहार तरोभाव और अनुग्रह, समझ गए, यही पांच तत्व है। तो इनका मैं आप लोगों को आज एक मंत्र बता रहा हूं, और ये मंत्र सिर्फ बोलने मात्र से आपका किसी भी तरीके का आपके आसपास प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, वो सिर्फ इसको बोलने मात्र से ठीक हो जाएगा। बहुत लोग एक स्टेप और ज़्यादा करते हैं कि दिग्बंध मंत्र बोलने के बाद चाहे तो दसों दिशाओं में फूंकते हैं, या फिर दिग्बंध मंत्र बोलने के बाद सारे दिशाओं को जागृत करते हैं चुटकी बजा के। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र का एक और बहुत बड़ा खासियत यह है कि अगर इसका 10 लाख जाप किया जाए, कितना, 10 लाख मात्र, तो बोला जाता है कि ये मंत्र मोक्ष दाता है, मतलब मोक्ष देता है। इसमें करना क्या है, पूजा स्थान पे ही इसका आप जाप करेंगे, ऐसा नहीं कि घूमते फिरते इसका जाप करेंगे, शुद्ध हो करके और फिर इसका जाप करेंगे। महादेव को पंच पूजा कर लिया, ठीक है, और सामने बैठ गए, महादेव का ध्यान किया। इसका एक ध्यान मंत्र है पंचमुखी महादेव का, क्या है, प्रथमम वही हस्तम च द्वितीयम शरणम तथा तृतीयम लंब हस्तम च चतुर्थम डम्बरुकम तथा अभयम पंचम ध्याता तांडवम भवेत सुधी। इस मंत्र से महादेव का ध्यान करके अब जो आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का एक बार बस जाप करेंगे, सिर्फ एक बार जाप करने से ही इस मंत्र का फल आप लोगों को मिल जाएगा। मंत्र मैं आप लोगों को 3 बार सुनाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ये मूल मंत्र है। ओम राम ह्रीम ह्रुम रैम रोम ह्रह शिव शिव शरणम शिवानंदम शिव शिव शिवाय ह्रीम शिवाय नमः
ओम नमः शिवाय हुम फट स्वाहा ह्रीम। फिर से सुनिए, ओम राम ह्रीम रुम रैम रोम रह। शिव शिव शरणम शिवानंदम शिव शिव शिवाय ह्रीम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हुम फट स्वाहा ह्रीम। इसमें जैसे कि आप लोगों ने शिव अघोर मंत्र में पहले सुन रखा है, वैसे ही बीजों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यही अनंत बीज है, यही महादेव का बीज है। जो मैंने चैनल का पहले पहला वीडियो भी दिया था, उसमें भी मैंने कहा था कि शिव बिना बीज का जाप नहीं होता है। इसीलिए जो पहला मंत्र मैंने दिया था, ओम हौं नमः शिवाय, जो अजपा गायत्री में भी आता है, हौं सः, मतलब हौं सः जब बोलते हैं कि तुम महादेव और ये मैं हूँ, और मैं जो हूँ वही तुम भी हो। उसी तरीके से जो शंकर तंत्र है, वो जब आप पढ़िएगा, जो शंकराचार्य द्वारा दिया गया, उसमें भी जो पहला अक्षर जो पूरे ब्रह्मांड का था, वो ह शब्द था। ह से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई। तो इस मंत्र को जाप करिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी तरीके की शक्ति का दुष्प्रभाव है, या फिर कोई आप पे काला जादू कर रहा है, या आपके घर में आपको लगता है कि किसी तरीके का नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत या पिशाच की बाधा है, तो सिर्फ इस मंत्र को पढ़ लेने मात्र से इसकी साधना हो जाएगी। एक विषय और है कि आप लोग जो भी महादेव के पंचमुखी रूप की तस्वीर या कल्पना नहीं रखते हैं, वो अपने घर में इनके पंचमुखी रूप को ही रखिए। इससे आपके ध्यान में मदद मिलेगी और ज़्यादा प्रभावी होगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखना है, जिसमें आसन बंधन और अलग अलग तरीके का तंत्र जो गुरु मंत्र से पहले आपको जानना चाहिए वो आता है, तो आप मेरे बेसिक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। जिसको मुझसे डायरेक्ट बात करना है, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, रुद्रनाथ @CM4 सर्च कीजिएगा, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप मुझे कॉल कीजिए। महादेव आप सभी पे कृपा बरसाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।